आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही, जिले भर की शराब दुकानें सील होने से पहले नहीं किया दुकानों का स्टॉक चेक। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की निष्क्रियता के चलते ठेकेदार शराब दुकानों से निकालकर बेचते रहे शराब। विस्मयादिबोधक चिन्ह, शराब ठेकों पर कितनी रखी थी, शराब कितनी ठेकेदारों ने निकालकर बेच दी, आबकारी विभाग को नहीं है पता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आबकारी विभाग और शराब ठेकेदार की मिलीभगत के चलते लॉकडाउन के दौरान जिले में बिकती रही अवैध शराब। नौगांव अलीपुरा में स्थित देसी शराब दुकान का ताला तोड़कर शराब की पेटियां निकाली, शराब ठेके से करीब 62 पेटियां गायब। सूचना मिलते ही एसडीएम, एसडीओपी नौगांव, आबकारी सब इंस्पेक्टर रामशरण सिंह व अलीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर रामशरण सिंह ने बताया, शराब दुकान का टूटा मिला ताला, दुकान से 687 देसी शराब कीमत 17 लाख की जब्त। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि अज्ञात पर किया जा रहा मामला दर्ज, जांच के बाद पता चलेगा कि यह किसके द्वारा शराब दुकान का ताला तोड़ा गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या कहा आबकारी सब इंस्पेक्टर रामशरण हने। रामशरण सिंह से जब यह पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान दुकान सील होने से पहले क्या आपके द्वारा दुकान का स्टॉक चेक किया गया था, तो उनका कहना था, नहीं, हमारा क्षेत्र बड़ा है, 35 दुकानें बिजावर क्षेत्र में है और 17 दुकानें नौगांव की, हमारे पास है, स्टाफ की कमी है, जिसके कारण जिस समय दुकानें सील की गई उस समय दुकानों का स्टॉक चेक नहीं किया गया। जब उनसे पूछा गया कि जब विभाग द्वारा स्टॉक चेक नहीं किया गया तो दुकान में कितना माल है, ये आप ऐसे पता लगाएंगे, हो सकता हो चोरी से भारी मात्रा में शराब ठेकेदार खराब कर दी गई हो, इस सवाल के जवाब पर सब इंस्पेक्टर गोलमोल जवाब देते हुए बोले। उन्होंने कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अगर सभी दुकानों का स्टॉक चेक करता तो क्या 10 दिन लग जाते, इसीलिए दुकान सील करते समय शराब दुकानों का स्टॉक नहीं किया चेक। सूत्रों की माने तो अलीपुरा शराब ठेकेदार द्वारा रोज अवैध शराब निकालकर बेची गई, लेकिन आबकारी विभाग की निश्चिता के चलते ठेकेदार बच निकला और उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इस मौके पर मौजूद रहे एसडीएम बीवी गंगेले, एसडीओपी श्रीनाथ सिंह बघेल, आबकारी सब इंस्पेक्टर रामशरण सिंह, अलीपुरा थाना प्रभारी प्रियंका मिश्रा, पुलिस बल मौजूद रहा। आपका ताला टूटा है दुकान का, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? हमें सुबह हमारी सूचना प्राप्त हुई थी या इनके ठेकेदार को प्रतिनिधि द्वारा कि अलीपुरा दुकान की सील तोड़ी गई है और तोड़ करके उसको ताला तोड़ करके रोड से माल निकाल लिया गया है। मैं तुरंत प्रभारी अधिकारी अलीपुरा से बात की, बात करने के पश्चात मैं यहाँ पहुँचा, मौके पर देखा तो ताला टूटा पाया गया और टूटने के पश्चात हमने वहाँ का भौतिक सत्यापन किया, जिसमें से हमें वहाँ 687 पेटियाँ मसाला मदिरा की मिली, जो विधिवत कार्रवाई की गई। कार्रवाई करवाने के बाद उसको सील किया गया, सील करने के बाद थाना प्रभारी को चाबी सौंपी गई। कितनी पेटी गायब है यहाँ से? 62 पेटी बताया है कि चोरी चली गई है। उसकी रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की गई है, क्या मामला है सर? सुबह सूचना मिली थी थाना प्रभारी अलीपुरा से कि दुकान का ताला टूटा है, कल सील करवाए हैं शाम को, इसके पहले कागज़ से सील थी, जो कल सील करवाई गई है पूरा उससे पन्नी से, रात में ताला टूटा है, जिसकी जांच की जा रही है। वैसे भी सर प्राथमिक तौर पर क्या लगता है कि ठेकेदार द्वारा किया गया, किसी अज्ञात लोगों द्वारा किया? अभी नहीं कहा जा सकता, संदिग्ध है, तो ठेकेदार से रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा जो स्टॉक क्या था उसका और कब सील बंदी के बाद कब सील किया गया था और बाद में नौकर कौन है, ठेकेदार कौन है, ये रिकॉर्ड जो प्राप्त किया जाएगा तभी स्थिति स्पष्ट होगी। धन्यवाद।